हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज लेकर आती रहूं। आज हम बालूशाही बनाएंगे। ये सभी को बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसके लिए ना तो हमें दूध ना ही हमें खोए की जरूरत है। इसको बनाने के लिए हमें ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है। आप इसको 15 से 20 दिनों तक आराम से बनाकर खा सकते हैं। आप इसको किसी भी त्योहार या फंक्शन पर बना सकते हैं और स्वाद में तो बालूशाही के क्या कहने। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं रसीली बालूशाही। हम बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैं 2 कप मैदा लूंगी। उसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, चुटकी भर में इसमें नमक डालूंगी, 1/2 कप में इसमें घी डालूंगी। जब भी आप बालूशाही में मोयन डालें, हमेशा घी का ही यूज करें। तलते टाइम आप तेल या घी कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं अब घी के साथ मैदा को सिर्फ मिक्स करूंगी, मैं इसको अभी गूनूंगी नहीं। आप देखिए, हमें घी और मैदा को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, अब मैदा मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी लूंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको इकट्ठा करना शुरू करूंगी। बालूशाही का आटा हम गूंदते नहीं है, उसको सिर्फ हम इकट्ठा करते हैं। देखिए, मैंने 1/2 कप पूरा पानी इसमें डाल लिया है और अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए, आटा कितना मुलायम लग रहा है। बालूशाही का आटा हमारा तैयार है। अब मैं ढक्कन लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। इतने हमारा आटा सेट होता है। इतने में इसकी चाशनी बना लेती हूँ। कढ़ाई ले, उसमें 2 कप चीनी डालें, 1 कप पानी डालें और चीनी को लगातार चलाते हुए पिघलने दें। अब इसमें 2 से 3 इलायची डालें और इसको लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने दीजिए। अब मैं इसमें 10 से 15 केसर के धागे डालूंगी और इनको भी मैं मिला लूंगी। देखिए, केसर डालते ही हमारी चाशनी का रंग थोड़ा सा बदल गया है। ऐसे ही पकाते हुए मैं 1 तार की चाशनी बनाऊंगी। अब हम एक बार अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि शायद चाशनी हो चुकी है। देखिए, इसमें 1 तार बनने लगा है। इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। हम इसे ढक्कन लगाकर ढककर रख देंगे, जिससे ये ठंडी ना हो। अब हम अपने बालूशाही के आटे को भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट आटा है। देखिए इसमें कितनी सारी लेयर्स भी है। हमें कुछ इसी तरीके का आटा चाहिए। अब मैं अपने बालूशाही के आटे को प्लेटफॉर्म पर अच्छे से फैला लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर चकला या कोई बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। मैं अब इसको कटर या चाकू की हेल्प से बीच में से 2 हिस्सों में बांट लूंगी। अब इस कटे हुए पार्ट को हम दूसरे वाले हिस्से के ऊपर रखेंगे और हल्के हाथ से दबाते हुए इसको फिर से जोड़ेंगे। देखिए, अब मैं फिर से इसको काटूंगी और इस कटे हुए पार्ट को मैं इसके ऊपर रखकर फिर से हल्के हाथ से दबाते हुए इसको जोड़ूंगी। अब मैंने फिर से इसको काटा है। इस प्रोसेस को मैं 3 से 4 बार करूंगी। आप देखेंगे कि इस तरीके से करने से हमारी बालूशाही बिल्कुल बाजार जैसी ही बनेगी। देखिए, हमारे बालूशाही के आटे में कितनी सारी परतें आ गई। हमें कुछ आटा इस तरीके से ही तैयार करना है। अब मैं इसको फिर से बीच में से 1 बार काटूंगी और इसके ऊपर दोबारा से जोड़ते हुए मैं इसको अब 4 हिस्सों में बांट लूंगी। हम इन पीसेस को अलग अलग करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि लेयर्स कितने अच्छे आए हैं। अब हम इनको रोल करना शुरू करेंगे। आप इनको रोल बहुत अच्छे से कीजिएगा, वरना गरम तेल में जाने के बाद में ये लेयर्स खुलने लगेंगे। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काट लूंगी। अब मैं अपनी दोनों हथेलियों के बीच में एक लोई रखती हूँ और इसको हल्के हाथ से मलते हुए मैं गोल कर लूंगी। अब मैं अपनी उंगली से इसके बीच में एक होल बना लूंगी। कुछ इस तरीके से हम इसमें होल बनाएंगे दोनों तरफ से। होल हम इसलिए बनाते हैं जिससे तेल में जाने के बाद में हमारी बालूशाही अंदर तक सिक जाए। आप बालूशाही का साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपनी सारी बालूशाही तैयार कर लूंगी। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेते हैं। हमारी गैस की आंच स्लो ही रहेगी और मैं एक एक करके बालूशाही इसमें डालूंगी। आप बालूशाही उतनी ही
डालिएगा जितनी कढ़ाई में आराम से आ जाए। ना ही बालूशाही को पलटने की जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, ये वरना टूट जाएंगी। ये अपने आप ही आप देखेंगे जब सिकने लगेंगी तो ये अपने आप तेल के ऊपर आ जाएंगी, तब हम इनको हल्के हाथ से पलटेंगे। देखिए अब हमारी बालूशाही ऊपर आने लगी है, इसका मतलब ये एक तरफ से थोड़ी थोड़ी सिकने लगी है। अब मैं इनको एक एक करके पलटना शुरू करूंगी। पलटने में आप कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। देखिए ये फूल कर बड़ी भी हो गई है। बालूशाही को पलटने के बाद मैंने अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था। अब मैं वापस से इसको स्लो कर दूंगी और इनको इसी तरीके से गोल्डन कलर होने तक फ्राई होने देंगे। देखिए हमारी बालूशाही कितने अच्छे से अब फ्राई हो चुकी है, इनका कलर भी गोल्डन हो चुका है। अब मैं इनको किसी छन्नी में बाहर निकाल लूंगी। अब हमने जो अपनी चाशनी बना कर रखी थी, उस हल्की गर्म चाशनी में मैं अपनी बालूशाही सारी डाल दूंगी और इन बालूशाही को मैं 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दूंगी। उसके बाद में मैं इनको पलटते हुए दूसरी तरफ से भी 4 से 5 मिनट तक रहने दूंगी। अब मैं इनको 2 मिनट और ऐसे ही रहने दूंगी, उसके बाद में इनको बाहर निकाल लूंगी। मैंने थोड़ा सा पिस्ता काट के रखा हुआ था, वो मैं अपनी तैयार बालूशाही के ऊपर लगा लूंगी। लीजिए हमारी रसीली बालूशाही बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।